Hi guys, welcome or welcome back to my channel again. This is me Anna here. तो गाइस मैं आज का ब्लॉग भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से शुरू कर रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं फार्म हाउस और फार्म हाउस जाने से पहले चाचा का फार्म हाउस जा रही हूँ जो आज ही ओपनिंग हुआ है हो रहा है आज ही ओपनिंग और थोड़ा बहुत सेरेमनी रखा है ओपनिंग सेरेमनी तो हम जा रहे हैं हम लोग सब लोग बहुत एक्साइटेड है हम सब परिवार जा रहे हैं एंड प्लस बहुत सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स लोग आएंगे वहाँ पर तो आप लोगों को बहुत सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स से मिलेंगे इस ब्लॉग पर तो इसीलिए ये ब्लॉग जो है बहुत ही ज़्यादा खास है और मेरे पिताजी को बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि उसका भाई का अपना खुद का एक फार्म हाउस जो वो अपने बहुत मन से प्यार से बनाए हैं और बहुत ही सुंदर से बनाया है छोटा सा प्यारा सा फार्म हाउस तो इसीलिए हम लोग सब जा रहे हैं वहाँ पर तो मैं आप लोगों को ब्लॉग में सब कुछ दिखाऊंगी सुंदर से ब्लॉग पे बने रहिए। तो पापा भी रेडी हो गया आज पापा सबसे लेट हो गया रेडी करने में हम लोग सब रेडी हो गए। हेलो हाउ आर यू? आई एम फाइन। आज कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत ही मूड अच्छा है मेरा। बहुत अच्छा है। मेरा भाई का घर ओपनिंग होगा बस्ती वाला घर। वैसे वो इटानगर में रहता है लेकिन बस्ती में फार्म हाउस बहुत अच्छा घर बनाया है बस्ती में तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। आप लोगों साथ सब परिवार का साथ आज एक साथ बैठने का मौका मिलेगा तो ये दिन के लिए मुझे मैं इंतजार कर रहा था वो आ ही गया तो लेट्स एंजॉय। चलो लेट्स गो। वाओ मम्मी ने आज क्या पहना आउटफिट ऑफ द डे दे दो मम्मी यो यो सुंदर लग रहा है बहुत ही फ्रेश लग रहा है और आज सेकेंड डे है मम्मी का मेडिसिन खा के तो आज थोड़ा सा हेल्थ इम्प्रूव हुआ है। आप लोग का दुआ से सब लोग इतना कमेंट में इतना हमको प्यार देते हैं हम इतना खुशी है ना खुशी लग रहा है। थैंक यू सबको। आप लोग का दुआ से अभी हम थोड़ा अच्छा हो गए। आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू ना सबको बहुत बहुत थैंक यू। आज मम्मी थोड़ा अच्छा लग रहा है और रिकवर होने और टाइम लगेगा 2 महीना लगेगा पूरा अच्छा होने के लिए। मम्मी का आउटफिट है ये देखिए मम्मी कितना सुंदर लग रहा है। मम्मी सब लोग हम सुंदर नहीं है मेरा फोन को कितना सुंदर तो चलो आज का दिन के लिए आप एक्साइटेड है? बहुत लोकल ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न टच दिया है तो हम फोटो में ही देखा है हम लोग ना तो चाचा जो है पापा का जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट ब्रदर है नेक्स्ट पापा का नेक्स्ट वाला ब्रदर तो उसका घर जा रहे हम देखने तो लेट्स गो मम्मी लेट्स गो। तो हम जा रहे हैं दो गाड़ी से यहाँ पर पापा है अंकल है रिम है हाय करो हाय हाय रिम अंकल हाय करो हाय पापा हाय। हम लोग आज बहुत खुशी है ना लॉन्ग और यहाँ पर है नोनी द कूलेस्ट फ्रेंड दैट आई हैव और यहाँ पर मम्मी है पीछे यहाँ पर बैठी है वो और हम लोग वो गाड़ी में जाएगा भाई है मेरा भाई गाड़ी चलाएगा नोनी और मैं हम तीन वो गाड़ी पे पापा मम्मी और अंकल और रेबी है गाड़ी पे। अभी हम मम्मी का बम्बूगढ़ आ गए हैं यहाँ पर थोड़ा सा व्यू देखेगा घर में क्या चल रहा है वो सब देख के यहाँ से जर्नी कंटिन्यू करेगा और अंकल को भी यहाँ पर लाया है पहली बार आया है तो यहाँ पर व्यू दिखाने के लिए लाया अंकल को यहाँ से देखिए कोची है ना हाउ ओल्ड आर यू? 6 year old देखो कितना प्यारा हाँ लोग कितना प्यारा से घूम वाओ रिलैक्स कर रहे हैं अंकल अच्छा लग रहा है ना हवा फ्रेश फ्रेश मिसिंग व्हाट बुक यहाँ बैठ के पढ़ने के लिए ना बहुत अच्छा लगेगा। तो रिम ने बाइनोकुलर लेके आया है देखिए कितना एक्साइटिंग है हाँ कुछ नजर आ रहा है क्या रिम को? वाओ हेलीकॉप्टर जा रहा है हेलीकॉप्टर को देखो वो देखिए हेलीकॉप्टर भाई रिम को सिखा रहा है किंडर जॉय का खिलौना जो मिला है फिक्स करने
Yes, yes. गिरने से भी कुछ नहीं, it won't hurt much. मम्मी आउटफिट दिखाओ अभी. अभी मम्मी यहाँ पर बंबूगढ़ में पहुँच के ड्रेस चेंज कर लिया है, क्योंकि ओकेशन है तो हम ट्रेडिशनल कपड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं पहनने, इसलिए मम्मी अभी बहुत सुंदर से तैयार हो गई है. वाओ, ये देखो ना, ये देखो आपका फूल, मम्मी का फूल, एकदम पूरा दिल खुश हो जाता है. लेकिन आपको पहले दिखा लेगा, रुको. बहुत सुंदर से पहना है ट्रेडिशनल ड्रेस. वाओ, बहुत सुंदर लग रहा है, ट्रेडिशनल थोड़ा मॉडर्न टच वाला. तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, यहाँ से निकल रहे हैं. लेट्स गो, लेट्स गो. हेलो, मेरा आची लोग है यहाँ पे, बेटा है यहाँ पर. बहुत सारे कार पार्किंग की है तो लोग ड्यूटी पे है. वेरी गुड. और इस तरफ से एंट्री है, यहाँ पर हाउस वार्मिंग पार्टी का लगाया है. मिसेस ताओ ये जी तबा मेरे भाभी के नाम है, और मिस्टर तबा पिंका मेरा आची का नाम है. तो ये रहा एंट्री, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे. लेट्स गो, आई एम सो एक्साइटेड घर कैसा बना देखने के लिए. तो ये है. मेरा ग्रैंडफादर देखो. हेलो, तीन नंबर चारी नंबर तबाता दो या पांच नंबर है ताजी अंकुबा चार नंबर है पेशामा. तो हाय गाइस, अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं. यहाँ पर हाउस वार्मिंग पार्टी चल रहे हैं और अंदर सब मेरे परिवार बैठे हैं, तो मैं आप लोगों को सबसे मिलाने वाली हूँ. बहुत सारे परिवार मेरे बैठे हैं और मेरे बहुत सारे रिश्तेदार और कजिन्स आए हैं और अंकल आंटी बहुत लोग आए हैं, तो सबसे मैं मिलाती हूँ आप लोगों को. सब लोग बहुत खुश लग रहे हैं, तो चलिए चलते हैं अंदर. तो ये रहा, यहाँ पर एंट्री है. हेलो आची, ही इज माई डैडीज यंगेस्ट ब्रदर. अच्छा, हाथ मिला अल्पाई. अंकल आप लोग, सब लोगों को पता है अंकल है. मैं जीजा, लेकिन अंकल बोलती हूँ छोटा सा. और उसके बाद यहाँ से अंदर चलते हैं सब लोग. माय ग्रैंडफादर एंड ही इज माय डैडीज सेकंड पापा का बाद जो है उसका घर है ये, और उसके बाद नेक्स्ट वो है, एंड देन वहाँ पर सबसे यंगेस्ट वाला. और हियर सब कजिन्स लोग हैं. हेलो हेलो, सब लोग ग्रीट कर रहा है. हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम. माय अबा इज वेरी हैप्पी, ग्रैंडफादर वेरी हैप्पी. टू यू, सेम टू यू, दैट भी टू दिया यू. चलो आम इंग्लिश में पा. हेलो आची, मेरा कजिन आची है और बहुत सारे आची हैं. किस किस को आता. हेलो मतो, हाँ अच्छी लोग, हाय करो. हाय अच्छी, हाय करो, हाय करो अच्छी. यहाँ भी बहुत सारा अच्छी है, सबका चेहरा आप लोग देख लेना. हेलो, हाय करो सब. मेरा दीदी बहन लोग है, सब लोग भैया भी है. हाय हाय करेगा. हेलो, हाय हाय करो. हाय, सब लोग आए हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग आए हैं. हेलो हेलो. तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सब लोग खा पी रहे हैं यहाँ पे, बैठ रहे हैं, मेहमान लोग हैं. हेलो अंकल. हेलो हेलो. हाँ जीजा है, आपका नाम बताइए जीजा जी प्लीज. ताऊ सोकम. ओके, आप मेरा व्लॉग पे है, वेलकम टू माय व्लॉग. नाइस टू मीट यू. तो गाइस, आप लोग ने कल के व्लॉग पे देखा है मेरे चारों सिस्टर्स को, मेरे चारों बुआ जी इन लोगों को देखा है. हम लोग गए थे पार्लर पे और हम लोग ने मेक ओवर किया था. आप लोगों को वो व्लॉग बहुत पसंद आया. तो आज हम लोग आए ये घर पे, यहाँ पर हाउस ओपनिंग है, उनके भाई के घर ओपनिंग है. तो उन लोग सब बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट है, यहाँ पर बैठ के खाना सर्व करे, और खाना भी बहुत सारे आइटम बनाया. तो क्या क्या खाने पे बनाया मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. बहुत सारे आइटम हम लोगों का ट्रेडिशनल आइटम्स खाना में, और मेरे बुआ जी लोग पूरा ट्रेडिशनल में खड़े हैं आज, बहुत खुश लग रहे हैं उन लोग. तो मैं दिखाती हूँ
लोगों को। चलिए चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पेंडल बनाया, उस साइड घर है। तो पहले मैं आपको सबको यहाँ पर खाना क्या बनाया है वो दिखाती हूँ और हाउस टूर भी कराती हूँ। इस साइड भी बहुत सारे मेहमान हैं, यहाँ से एंट्री किया है, यहाँ पर बहुत सारे मेहमान बैठे हैं और ये पूरा पेंडल बनाया है। यहाँ से घर है, फिर यहाँ पर बुआ जी लोग सब खड़े हैं, सर्विंग कर रहे हैं मेहमान को, यहाँ पर खाना दे रहे हैं। चलिए चलिए खाना ले लो आप लोग। तो ये देखिए, ये मेरा नंबर वन, नंबर टू, इसको आप लोग नहीं मिला था। तो ये है, आज फाइव सिस्टर्स है, ये भी पापा का दीदी है, नंबर वन, नंबर टू। आपका क्या है आइटम में, खुलो ना। मिठुन मीट। तो अंकल लोग खाना खाएगा अभी, ये खाने लेके। अम्मा है नंबर थ्री। ये आपका यहाँ में क्या है, चिकन बॉयल। और नंबर फोर आपके यहाँ में क्या है, मटन। ओ टेस्टी। नंबर फाइव, दाल है, पनीर है, दाल है, ओके। और यहाँ पर बीन्स बॉयल है, बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत ज़्यादा आइटम्स बनाए हैं। ये देखिए अंकल लोग, जीजा लोग, सब मेहमान लोग खा रहे हैं खाना लाइन लाइन। हम लोगों का ट्रेडिशनल स्टाइल पे ऐसे खाते हैं, हम लोग पत्ता पे खाना खाते हैं। और उसके बाद ये क्या है, सिद्धू मदिनी। अरे भाभी, मैंने भी पहचाना, इतना सुंदर। मेरा भाभी जी है, मेरे पापा का सबसे लास्ट भाई का बीवी, धर्म पत्नी, बहुत ही सुंदर। उसका आपका इधर क्या है, ये पोटो सब्जी, पोटो बॉयल ना। अच्छे से खाओ हाँ खाना आप लोग। कल में इसको ओइन बोलते हैं, ओइन ओइन बोलते हैं ना। हाँ, प्रेशर के लिए अच्छा होता है, प्रेशर के लिए ना। थैंक यू बताने के लिए, हाई प्रेशर के लिए अच्छा होता है ना। उसके बाद यहाँ पर कसीबायम है, कसीबायम बॉयल। और यहाँ पर ये क्या था, प्याक चटनी है क्या, यूप का चटनी है, बैम्बू, ड्राई बैम्बू शूट का चटनी है। हेलो, मेरा दीदी है, शी इज अ डेंटिस्ट। और जो थर्ड नंबर वाली दीदी है उसकी फर्स्ट बेटी है वो। हेलो। तो दीदी का यहाँ पर है नागा चटनी, नागा चटनी, वाओ डिलीशियस। और यहाँ पर ये देखो तलब है और फ्रेश फिश फ्राई है, यहाँ पर सैलेड है जो कि खत्म हो चुका है। और ये पत्ता तो आप लोगों को पता ही है, नॉर्थ ईस्ट में सबको बहुत पसंद है ये खाने पे। और यहाँ पर ये देखिए, व्हाट अ डेलिकेसी, इतने सारे आइटम्स हैं। कैसा लग रहा है आपको इतने सारे आइटम्स देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे से खाना हाँ, एकदम दो बार तीन बार लेके खाना हाँ। ओके okay. तो सब लोग खाना खा रहे, सुपर एक्साइटेड टू व्लॉग दिस वन। और यहाँ पर ये देखिए इतना फ्रेश फ्रेश ये है। और ये देखिए, ये देखिए, ये पापड़ देखिए, हाय हेलो। और यहाँ पर रखा है डिजर्ट, डिजर्ट बोलेगा ना, डिजर्ट बनाया है। ये देखिए यहाँ पर रसगुल्ला भी है, देन फ्रेश फ्रूट्स, हेलो। ये भी मेरी सिस्टर है, कजन सिस्टर, डेंटिस्ट दीदी की थर्ड वाली बहन। उसके बाद ये लास्ट वाली बहन, सेकेंड वाला दीदी जो है वो ऑफिस पे है। यहाँ पर भी बहुत काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं। चलो, हेलो नंबर वन, नंबर टू हाय, नंबर थ्री हाय, नंबर फोर हाय, नंबर फाइव हाय। आप लोग सिस्टर्स लोग सारा प्यार मिल रहा है, आप लोग अच्छे से पाया लिंचो बोलना, पाया लिंचो, हम लोग को लाइक करने के लिए। हाँ पाया लिंचो बोलो, हाँ पाया लिंचो का मतलब है थैंक यू। हाँ आज बहुत खुश है ना, हाँ और हम लोग भी करने के लिए चांस, हाँ बहुत खुश है ना। आप लोग क्या पहना है आज, आप लोग मतलब ये प्लान करके पहना है क्या, ये जो यूनिफॉर्म पहना है मेरे सिस्टर्स, मेरे बुआ से, मतलब इतना ये करके, मतलब दो दिन से प्लानिंग नहीं था। हाँ हाँ, मतलब आज अचानक से हम लोग, मतलब अचानक हाँ, चलो आज ऐसा पहने का बोल के पहना है, लेकिन इसलिए हाँ, पहले से करने से तो हम लोग जो पूरा मतलब यूनिफॉर्म होना था, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से हम लोग मतलब ये नहीं किया है, हाँ हाँ नहीं, फिर भी अच्छा लग रहा है, ब्लैक और रेड ना, हम लोग का भाई का बहुत खुश है ना, ब्लेसिंग दे रहे हैं ना, ब्लेसिंग दे रहे हैं बहुत, जरूर आशीर्वाद, आप लोगों का आशीर्वाद बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आई बिलीव ये लोकल ट्रेडिशनल है, इसलिए हम लोग आज सुंदर लग रहा है, सुंदर। ये तो मैं चलती हूँ अभी घर दिखाने के लिए, हाउस टूर देती हूँ आप लोगों को। दीदी लोग यहाँ पर मेहनत कर रही है, बहुत बहुत खुशी से खाना सर्विंग कर रही है। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ अभी, हाउस टूर देगा पीछे में। तो
गाइस फाइनली मैं आप लोगों को अभी हाउस टूर देने वाली हूँ। बाहर भी क्या हो रहा है वो तो आप लोगों को दिखा दिया है, तो अभी हाउस टूर दिखाती हूँ। घर बहुत छोटा सा प्यारा सा ट्रेडिशनल बनाया लेकिन मॉडर्न टच दिया है, तो आई लव इट सो मच। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं, मैं आप लोगों को घर पर दिखा दूँ। सीढ़ी है, सीढ़ी चलने के बाद सीढ़ी इस साइड से भी है और इस साइड से, दोनों साइड से सीढ़ी है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा गेट है, यहाँ से जैसे यहाँ आप लोग चले यहाँ पर एक सिटिंग एरिया है, सीलिंग जो है मुझे बहुत पसंद आया है। सीलिंग जो है वुडन फिनिश दिया है और वॉल सीलिंग दिया है लाइट जो है, तो इसीलिए और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वेरी कन्वीनियंट। यहाँ पर एक सीटिंग एरिया है, बहुत कम्फर्टेबल है, यहाँ पर आप सो भी सकते हो। ऐसा बनाया है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई घर पे मेहमान भी आएगा तो यहाँ पे बेड के जैसा सो भी सकता है। वुडन जैसा काउच है प्लस बिस्तर के साइज का है। एंड देन यहाँ पर वॉल टाइल से है, ओह आई थॉट इट्स वॉलपेपर, टाइल से बहुत सुंदर से। उसके बाद फिर इस साइड पे एक सोफा है, थ्री सीटर सोफा। एंड देन यहाँ पर भी ऐसे ही सेम काउच प्लस बेड है, यहाँ पर आप बेड की आराम से, सो मच स्पेशियस। और उसके बाद यहाँ पर बैम्बू से बनाएंगे, हम लोगों का ट्रेडिशनल स्टाइल बैम्बू का होते हैं, हम लोगों का इमी बोलते हैं हम लोग इसको, इमी ऐसा बैठ के यहाँ पर आग जलाते हैं। तो आज जैसे कि हाउस वार्मिंग पार्टी हो गया तो आग जलाएंगे। जब हम लोग नया घर बनाते हैं ना तो जो समय हम लोग हाउस वार्मिंग करते हैं उसी के बाद ही प्रेयर करने के बाद हम लोग आग जलाते हैं। तो आज हम लोग शायद अच्छे से यहाँ पर आग जला के बैठ सकते हैं। ऊपर ऐसे बनाए हैं, हम तो बहुत बार आप लोगों को ऐसा किचन दिखा चुका है। यहाँ पर लकड़ियाँ सुखाते हैं, पर मीट सुखाने के लिए बनाया है। एंड देन ऊपर देखिए वेंटिलेशन बहुत अच्छा बनाया है, दैट्स व्हाट आई लव, क्योंकि यहाँ पर ना ट्रेडिशनल है प्लस मॉडर्न भी फिनिश दिया है, तो ये कन्वीनियंट है बहुत ना, जो वेंटिलेशन दिया बहुत अच्छा। बाहर ये साइड साइड में ये जो रखा है दिस इज फॉर कीपिंग सम स्टफ ना, जैसे कि लाइटर हो गया, आग जलाने वो सब। डाइनिंग वुडन वाला डाइनिंग है, जो लैम्प लगाए हैं वो ना दैट साइड देर इज बेसिन एरिया, और भी सारे रूम्स हैं वहाँ पे, ये दिखाने से भी हो जाएगा। फिर दिखा मेसिन है, इसको दिखा सकता है। साइड पे एक बेडरूम है, अभी तक अच्छे से सेटिंग नहीं किया बेडरूम को, हमने किया मॉडर्न बनाया, वॉल सीलिंग दिया है एंड इसे रख भी रखा है। तो आज जो हाउस वार्मिंग पार्टी है तो आज बस मेहमान आएगा, क्या क्या डिज़ाइन से बनाया है वो दिखेगा। बाद में वो लोग जब रहने लगेंगे तभी ये रूम्स को सजाएंगे। तो आज तो वैसे रूम्स बेडरूम्स को इतना सजाया नहीं है, जैसे बनाया है वैसे ही। सो दैट इज़ मास्टर बेडरूम अभी जो दिखा है। उसके बाद ये साइड में फर्स्ट डॉटर का है, सेकेंड डॉटर का उस साइड पर है, इंडियन सन का यहाँ पर है। तो दैट्स वेरी मच अबाउट इट। एंड देन देर इज दिस, ये बैठने का ये देखो कितना अच्छा है, आई नेवर सीन दिस वन। मूरा देखा है ना, मूरा बहुत दिखाया आप लोगों को भी ब्लॉग में, बहुत दिखाया मेरा बैम्बू हाउस में कैसा वाला मूरा है, बट दिस इज डिफरेंट, दिस इज सी कितना अच्छे से बनाया है। डिज़ाइन देखिए यहाँ पे ऐसा बनाया है, फिर यहाँ पे ऐसा, दिस इज आई थिंक कस्टम मेड ना, ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये टाइल्स भी डिज़ाइन इतना ऐसा लगाया है कि दिस विल मैच विद द बैम्बू, बैम्बू के साथ मैच करने लगा है, इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे। सो या you to the house owner of this house, चाची और बाबा से मिलाती हूँ। दोनों एक्चुअली बहुत ही बिजी है, बहुत सारे मेहमान हैं, सबको ग्रीट करने में बिजी है, तो मुझे भी हाय करने मिला, बट ब्लॉग मैंने सोचा अच्छे से इंट्रोड्यूस करती हूँ, तो अभी आपको लेके चलती हूँ, दोनों से मिलाती हूँ। मेरे पापा का जस्ट नेक्स्ट वाला ब्रदर एंड देन भाभी, चलिए चलते हैं। तो
हेलो आची, तो आइए मेरा आची है, मतलब मेरा चाचा है, ही इज माय डैड्स राइट आफ्टर नेक्स्ट वाला भाई है, एंड देन वो है ऑनर इस घर का, इमान प्यारा बनाई से, कांग्रेचुलेशन आची। थैंक यू माय डियर। और अपना का मतलब ये तो ये घर जो है डिजाइन जो आपने किया है? नहीं, ये मेरा फुल्ली डिस्क हाउस डिजाइन, फुल्ली गोज टू वाइफ, गोज टू माय भाभी जी वाइफ। इतना अच्छा बनाया, वही मम्मी बता रहा था भाभी जी बनाया बोल के, इमान दुनिया बने से घर इतना सुंदर बनाया है, कांग्रेचुलेशन सची। थैंक यू। और कुछ बोलेगा? बस आज थोड़ा कोशिश किया ये। हाँ। अभी एक्चुअली इतना पार्टी उटी तो करना नहीं था। हाँ। ये जो पहले हम लोग का यहाँ हम लोग बेहतर था। हाँ। तो यहाँ से हम लोग छोड़ के ये बस्ती गया, यहाँ से। हाँ। फिर हम लोग लूज बस्ती गया। हाँ। अगेन वहाँ से जब हम लोग कम बैक किया है तो हम लोग का जो बुजुर्ग का जो पहले जो हाँ। कहना है कि जहाँ से निकल के जब बैक आ जाता है। हाँ। तो उनमें हम लोग ऐसा तो कुछ खिलाना पिलाना और जगह रेसिडेंस जो है वो ईटानगर पे है, बट यहाँ पर फार्म हाउस बना है, तो हम लोग सब विश्वास करते हैं कि अपने रूट्स को जो है भूलना नहीं चाहिए, जहाँ में भी हो आपका गांव में जो है आपका एक छोटा सा घर भी हो तो होना चाहिए। तो इसी खुशी में चाचा भी अपना घर बना लिया, जस्ट लाइक हम लोग का फार्म हाउस उस तरफ में है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो बहुत खुशी लगा अजी। हाय, अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से, थोड़ा बिजी है, सब मेहमान को हाय हेलो कर रहा है चाचा जो है। तो गाइस, ये है मेरा पापा का फर्स्ट दीदी, जैसे कि आप लोगों को पता है, एंड देन उसका मिस्टर है माय जीजा जी। हेलो जीजा जी, कैन का से हाय, भाला से ना। तो ही इज फ्रॉम मिजोरम, एंड माय डैड सिस्टर शी गॉट मैरिड टू अ मिजो मैन, एंड सो नाइस यार। तो उसने ये माला जो है ट्रेडिशनल मिजो सब्सक्राइबर लोग देख रहे थे, सो हेलो, एंड ये देखिए ना माला, संकवा आई लव यू के कोई कमांग आइचे आपकी को भी आको आते के को भी आको कमांग आइचे आई लव यू आते कमांग आइचे टू यू टू बोथ ऑफ यू बाय लिंचो। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, तो मेरा सेकंड पापा का सेकंड दीदी जो है उनको लास्ट टाइम वाला व्लॉग में नहीं था बिकॉज शी वॉज बिजी, एंड देन और एक दीदी है तो शी इज थोड़ा सा नॉट वेल ना, तो उसको भी कभी दिन मिलाऊंगी। तो कुछ बोलना चाहता था ना, आप क्या बोलोगे? वो बोलेगा पाया लिंचो। हाँ। आज का दिन के लिए पाया लिंचो मिस, थैंक यू। हाँ। और क्या बोलता है हिंदी में, धन्यवाद। हाँ। आज का दिन। हाँ। मैं मेरा भाई और बहू को मैं एकदम थैंक यू देना चाहता है, आशीर्वाद देना चाहता है। हाँ। जैसा सदा रहो हमका आशीर्वाद उसका साथ। हाँ। का साथ पाया और आगे जाके। हाँ। ये दोनों और ऐसा आगे बढ़ो, फ्लोरिश करो ऐसा। हाँ। और आगे बढ़ो। हाँ। और जितना आज हम लोग आए हैं दीदी। हाँ। बहन कितना दूर दूर में हम जो देखने नहीं मिलने वाला, आज पूरा फैमिली को दिखाई मिला। हाँ। इसके लिए सबसे मैं धन्यवाद देता हूँ। हाँ। और ऐसा ही आगे जाओ। हाँ। और ऐसा ही चलते रहो। हाँ। में ये पाया लिंचो बोल रहे हैं, ठीक है, वो लोग बाद में वीडियो को देखेगा, पाया लिंचो बोलेगा। फाइनली मैं आपको ये घर को हाउस टूर तो दे दिया है, और ये घर का जो डिजाइनर है, इंटीरियर डिजाइनर जो है, आर्किटेक्चर जो है, मैं मिलाती हूँ वन एंड ओनली मेरा भाभी जो है। तो मेरा भाभी सो टैलेंटेड, उसने ही ये घर का डिजाइन बनाया है, जैसे कि आची के मुंह से भी आप लोग ने सुना है ब्लॉग पे, आची ने बताया है, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आप लोगों को डिजाइन जो है। तो शी इज अ लिटिल बिट शाय, इतना वो नहीं है, कैमरा फ्रेंडली नहीं, बट देन उसने मुझे हाई कहेगा बोले से, मैंने बस हाई करा। हैप्पी फैमिली है वो, देखिए अच्छी भाभी और उसकी फर्स्ट बेटी है वो, मेरी कजिन बहन, बस तुम हाई करी भी। शी इज माई सिस्टर, वो भी कैमरा शाय है। तो गाइस ये देखिए, शी इज माई नीस, नीली बोन दीदी, ज्यादा महीना भी नहीं हुआ, ओले नो प्योरा बच्चा, ओले अन्य हाय हाय करे कैमरा में, हाय हाय हाय, अन्य कानपुली भी पहना है, देखो कानपुली, कान भी पुता कर लिया, ओन्यो मेरा बच्चा, बाद में हम पायल भी पहनेगा, प्यारा। आंटी हेलो करो, हेलो हेलो हेलो, हाय हाय, हेलो भाभी, हेलो।
हेलो मैं भाभी है माय कजिन हेलो बोलने दो ना मेरा नीस 3 months old 3 months हेलो प्यारा बच्चा जीजा हेलो करो हेलो बहुत बिजी बात कर रहा Yeah. Guys, हमारा शक्ल देखिए थोड़ा भी एंगल से मैचिंग होता है क्या अभी तो मैचिंग नहीं होगा शायद ना वो ज्यादा प्यारा है बाद में होगा बाद में तो होगा हमको पकड़ने के लिए आते बहन बहन आपका बहन है ना बनाना ले रहा है खेती से आया उन्यू इतना प्यारा है हेलो बेटो हेलो बेटो उन्यू इतना प्यारा है खेती से आया वापस गा सकता है क्योंकि म्यूजिक है सिस्टम है जो है लेकिन अजीब जैसा गाया है ये गाना को सर हम तो बोलता है कि सबका बस का बात नहीं है अजीब जो गाया है बहुत अच्छा गाया सब तालियां बहुत मुश्किल गाना है लेकिन मीनिंग इतना है इसके अंदर ये एक लेसन है सबको जानना जरूरी है तो आप सभी ने देखा कि अभी थोड़ा पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट का ओर से दमा का गाना शुरू हुआ 3 languages में सर ने गाना गाया हम लोगों ने सब भरपूर सुना उसके बाद में हमारा अभी बड़ा भाई जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसने इतना अपना ट्रेडिशनल गाना गाया सबने ताली बजाया भरपूर सुन लिया उसका साथ साथ जो खड़ा था इसका साथ में बाजू में खड़ा हो के गाना गाया वो भी तो और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ लॉर्ड सुबनश्री दीदी ऐसी है वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का था अब आप लोग मैं चाहूंगा कि तमाम से कोई जो घर का मालिक है या घर का जो सदस्य है इसमें से कोई एक इनको सुरीला जवाब दे दीजिए फिर मैं उनके बाद में मैं डायरेक्ट अपॉइंट करूंगा मेरा जीजा जो कि हमारे एडीसी साहब को वो उसके बाद में माइक बनेगा वो जो ना अभी तबा में से कोई आइए ना कोई तबा में से जैसे कि मैं गाने नहीं जानता तबा हूँ लेकिन तबा में बहुत ज्यादा है जो गा सकता है अच्छे लोगों को सुनाइए कोई है तबा में आइए ताली बजाए थैंक यू अगर सुनने दिले तो एक ऋषि गाना सुना के जाएगा एक गाना सिर्फ एक गाना ऋषि गाना सुना के जाएगा गुरी मुह मिंगो जू टिंग टू बिंग ले मिंगो जू मधु टिंग टू बहु दिल को सोला जू अरे बिंगा जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा मीजी सर जॉनी मीजी जी इतना आपको एंटरटेन किया इतना खूबसूरत गाना गवाई इनके लिए जोरदार तालियां थैंक यू एक्चुअली मैं बोमडला यानी कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट बोमडला से बिलोंग करता हूं और वहां से फिर मैं नाफरा बोल के एक साजुलंग समाज है मीजी
जहाँ से किरण रिजिजू बिलोंग करता है, मैं उसका मामा हूँ। तो ऐसा कि अभी अजिंक बिंका हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, हम दोनों एक साथ वहीं, हमसे 10-15 दिन वो पहले पहुंचा और मैं बाद में पहुंचा। लेकिन अभी यहाँ में आपका ये नाबम शैली और पिंका और हम तीनों बहुत ही जिगरी दोस्त है, और मैं एक्चुअली कल नाफरा से 300 किलोमीटर पार करके आया, कल रात को 9 बजे इटानगर पहुंचा, और आज दोस्त का जैसे भी प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, और आप लोग प्यार हमेशा पिंका दोस्त के साथ बने रहे और हम लोग के साथ है। थैंक यू। ये तो बहुत मजा आ रहा है, भाई का घर अभी हम लोग का है, दूसरा लुक का हम पहले ही बोला है बिलो। गाइस अभी हम अपने फार्म हाउस में आ गए हैं, और आज का दिन जो था बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा खास था, क्योंकि सारा परिवार को मिलने मिला। इतना व्यस्त हो गए थे हम लोग कि एक दूसरे के पास, मतलब मैं इतना व्लॉग कर भी नहीं पाए, पता नहीं मैंने जितना हो सकता है किया है। आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था, मुझे सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, कि मुझे लग रहा था कि और थोड़ा व्लॉग करना और थोड़ा, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि सब लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी था, क्योंकि बहुत समय बाद हम लोग सब लोग मिले थे और फंक्शन के, मतलब सब लोग एक दूसरे को कैचअप कर रहे थे, कि मैं लिटरली सबको बोल रही थी थोड़ा टाइम है आपके पास, थोड़ा टाइम है ब्लॉग के लिए, ऐसा हो रहा था। बट एनीवे आई एम सो ग्लैड सब लोग टाइम निकाल के मेरे ब्लॉग पे थोड़ा बहुत जो भी है आया है, अपना अपीयरेंस दिया है। एनीवे आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, एंड ऑल्सो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा जो चाचा चाची हैं उन लोगों का नया घर जो है, फार्म हाउस जो है, ओपन हुआ है, एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट दोनों के परिवार को उस घर पे सुकून, शांति और पीसफुल प्रॉस्पेरिटी मिले उस घर पे, और बहुत बहुत सारा ढेर सारा वेल विशेस, पॉजिटिव प्रेयर, सपोर्ट सब हमारी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से। तो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द हाउस वार्मिंग पार्टी। तो या इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। एंड कल मैं अपने नया ब्लॉग शुरू करूँगी, बिकॉज आई एम हियर इन माई फार्म हाउस एज यू कैन सी। तो या बाय बाय गाइस, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो।